नमस्कार। हर कहानी कुछ कहती है, आज की कहानी क्या कहती है, तो चलिए सुनते हैं कहानी परोपकार। प्राचीन काल की बात है, किसी जंगल में एक कंचन अंगी नाम का हिरणों का राजा अपने 500 हिरणों के साथ रहता था। कंचन अंगी की खाल सोने जैसी थी, वह बहुत सुंदर था। उन दिनों काशी में ब्रह्मदत्त नाम का एक राजा राज करता था, जिसे शिकार करने का बेहद शौक था। वह प्रतिदिन शिकार करने जाता और किसी न किसी जीव जंतु को मार कर लाता। शिकार करने के लिए वह अपने राज के निवासियों को ले जाता था। जो व्यक्ति उसके साथ शिकार पर जाने से इनकार कर देता था, वह उसे कड़ा दंड देता था। इस बात से उसकी प्रजा बहुत दुखी थी। कुछ समय बाद प्रजा के लोगों ने सोचा कि यदि किसी तरह जंगल से सभी हिरणों को बाहर ले आए तथा उन्हें किसी उपवन में कैद कर लें, तो फिर उन्हें रोज रोज अपना काम छोड़कर राजा के साथ शिकार पर नहीं जाना पड़ेगा। उन्होंने एक योजना बनाई। ये लोग अपने हाथों में लाठियां, डंडे आदि लेकर जंगल की ओर गए। वहां उन्होंने शोर मचा मचा कर हिरणों को डराया। उन्हें देखकर हिरण डर गए और भागने लगे। भागते भागते वे जंगल से बाहर आ गए। लोगों ने अपनी योजना के अनुसार उन्हें एक पार्क में कैद कर दिया। प्रजा के कुछ लोग राजा ब्रह्मदत्त के पास गए और बोले, महाराज, हमने जंगल के सारे हिरणों को एक पार्क में कैद कर लिया है। अब आपको जंगल में शिकार के लिए जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। राजा ने उनकी बात सुनी और उसे बहुत खुशी हुई। अगले ही दिन राजा पार्क में गया तथा उसने वहां हिरणों को घास खाते देखा। राजा ने वही कंचन अंगी को भी देखा। उसने कंचन अंगी को अपने पास बुलाया और कहा, तुम वास्तव में बहुत सुंदर हो, मैं तुम्हें कभी नहीं मारूंगा, पर मुझे रोज एक हिरण खाने के लिए चाहिए, अतः प्रतिदिन एक हिरण मेरे महल में स्वयं आ जाना चाहिए। इतना कहकर राजा चला आया। अगले ही दिन से एक हिरण प्रतिदिन राजा के महल में जाने लगा। एक दिन एक हिरणी की बारी थी। उस हिरणी का एक बच्चा कुछ ही दिनों का था। वह डरते डरते अपने राजा कंचन अंगी के पास गई और बोली, श्रीमान, आज महल में जाने की मेरी बारी है। मेरा एक बच्चा है जो अभी केवल 15 दिनों का है। यदि मैं मर गई तो उसकी देखभाल कौन करेगा, वह भी मर जाएगा। कंचन अंगी ने हिरण की बात बड़े ध्यान से सुनी। थोड़ी देर सोचने के बाद वह बोला, तुम जाकर अपने बच्चे की देखभाल करो, मैं कुछ ना कुछ उपाय सोचूंगा। कंचन अंगी ने सोचा, यदि यह जीवन दूसरों के काम ही ना आया तो बेकार है। प्राणी को दूसरों की सहायता करने को सदा तैयार रहना चाहिए। मुझे स्वयं अभिरणी तथा उसके बच्चे की जान बचानी चाहिए। इतना सोचकर वह स्वयं राजा के महल की ओर चल दिया। महल के द्वार पर पहरेदार ने उसे देखा तो राजा को सूचित किया, महाराज, आज आपके सुंदर भोजन के लिए एक बहुत ही सुंदर हिरण आया है। उसकी खाल सुनहरी है। ब्रह्मदत्त ने पहरेदार की बात सुनी तो वह स्वयं हिरण को देखने आया। कंचन अंगी को वहां देख कर वह बोला, कंचन, तुम यहां क्यों आए हो? क्या मैंने तुम्हें न मारने का वचन नहीं दिया था? तुम जाओ और दूसरे हिरण को भेज दो। महाराज, आज एक हिरणी की बारी थी। यदि वह मर जाती तो उसका नवजात शिशु भी मर जाता, जो केवल 15 दिनों का है। माता के मरने के बाद उसकी देखभाल कौन करता, इसलिए मैं स्वयं आया हूँ। आप मुझे मारकर अपनी भूख मिटा लीजिए। ब्रह्मदत्त को कंचन अंगी की बात सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ। उसने मन ही मन में सोचा, यह कंचन अंगी कितना महान है। मैंने तो ऐसा प्राणी मनुष्यों में भी नहीं देखा जो किसी दूसरे के लिए अपने जीवन का बलिदान करने को तैयार हो। यह हिरण नहीं, देवता है। ब्रह्मदत्त की आंखें खुल गई। उसने कहा, कंचन, मैं तुम्हें और उस हिरणी को जीवन दान देता हूँ, पर महाराज, दूसरे हिरणों का क्या होगा? कंचन ने पूछा। अच्छा, जाओ, मैं उन्हें भी जीवन दान देता हूँ। राजा ने उत्तर दिया, मैं आज से हिरण ही नहीं, किसी भी जीव की हत्या नहीं करूँगा। राजा की आज्ञा से सभी हिरण मुक्त कर दिए गए। धन्यवाद।